फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको सी X1 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन की जो ब्राइटनेस होती है वो ऑटोमेटिक लो होती है बार बार, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ये डिस्प्ले का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस लेवल, ब्राइटनेस लेवल पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के सामने वाला बटन अगर आपका फोन में चालू है तो इसे बंद करके रखना है, यानी कि ऑफ करके रखना है। इससे ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आके ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऊपर की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।